सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। छुट्टियां लगभग खत्म होने पर है, ऐसे में अब सभी अभिभावक अपने बच्चों के स्कूल की तैयारी में जुट गए हैं। कपड़े, किताबें आदि की खरीदारी शुरू हो गई है। पहले ज्यादातर बच्चों को किताबें स्कूल से खरीदनी पड़ती थी, मगर अब सरकारी नियम के बाद अभिभावकों को स्कूल से किताबें लेने की सख्ती ना करते हुए सहूलियत दी गई है। वाशी सेक्टर 29 स्थित गोल्ड क्राइस्ट स्कूल में भी पहले शैक्षणिक वर्ष की किताबें मुहैया कराई जाती थी, मगर अब उन्हें वाशी स्थित गणेश बुक स्टोर से किताबें खरीदने के लिए कहा गया है। जब कुछ अभिभावक किताबें खरीदने इस बुक स्टोर गए, तब उन्होंने पाया कि केवल टेक्स्ट बुक पर किताबों की MRP छपी है, न कि नोटबुक पर। जब इस बारे में उन्होंने गणेश बुक स्टोर में पूछताछ की, तो गणेश बुक स्टोर ने उनसे कहा कि ऐसा करने के लिए उन्हें स्कूल से कहा गया है। इसी बात की शिकायत अभिभावक एवं कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा वैध मापन शास्त्र विभाग में की गई, जिसके बाद इस विभाग द्वारा वैध मापन शास्त्र निरीक्षक RJ सकपाल एवं अन्य दो अधिकारियों ने कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ गणेश बुक स्टोर पर छापा मारकर बिना MRP वाली किताबें जब्त की। इसी की जानकारी कुछ अभिभावकों ने NMTV को दी। मैं इधर बुक्स लेने को आया था अपने बच्चे के लिए, तो इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे चार्ज है, तो मैंने बोला ये बहुत चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई है। एक तो ये बिल जो इशू कर रहे हैं डिलीवरी चालान पे कर रहे हैं, दूसरी चीज़ है हमको बोलते हैं कि भाई कि ये हमने पूछा ये ब्रांडेड क्यों बुक्स बेची जा रही है कोई भी XYZ स्कूल के लिए, तो बोला हमको स्कूल से अधिकार दिया है एंड ऑल द बुक्स हैव बीन सेल्ड विदाउट MRP ओवर हियर। तो हम लोग ने इनसे कंप्लेंट पे पूछा हमको रिटर्न में देंगे आप कुछ की हम कंप्लेंट करें, तो बोलते नहीं हम कुछ रिटर्न में देंगे, लेकिन उन्होंने सब कुछ कबूल किया कि बोला कि हमने ये हमको स्कूल से बोला गया ऐसे करने के लिए और प्रिंटिंग करने के लिए। मैंने ये वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट में मैंने शिकायत की थी सुबह, तो इनका दोपहर को मुझे फ़ोन आया था आप आके इनका इंक्वायरी कीजिए, तो मैं इधर आके बैठा उनको इंक्वायरी की, तो उनके ऑफिसर हमारे साथ तुरंत आए, उन्होंने इनके ऊपर कार्रवाई की अभी आज। आगे उन्होंने गणेश बुक स्टोर पर ये भी आरोप लगाया कि वे अपने मनमानी से ग्राहकों से पैसा वसूल कर रहे हैं। हमें कहा गया कि आपको जो भी स्कूल की बुक्स है यहाँ से खरीदी जाएगी, लेकिन हमको ये नहीं बोला गया कितने की बुक्स है, कैसी है, क्या है, मनमानी से अपने ले रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता एवं अभिभावक तेजेंद्र सिंह ने इसे स्कैंडल का नाम देते हुए कहा कि पहले ये गणेश बुक स्टोर स्कूल में किताबें बेचता था, मगर अब सरकारी नियम के बाद उसे स्कूल से हटाया गया, मगर अब स्कूल द्वारा उससे ही किताबें खरीदने की सख्ती की जा रही है। एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, ये जो स्कूल्स हैं जो के बोलते हैं कि हमारे ही वेंडर के पास जाके आप बुक्स खरीदिए, ये एक्चुअली वो स्कैंडल है। ये एक छोटे स्तर पर अभी हमने ये इसको जो है ओपन किया है। आगे उन्होंने ये भी चौंकाने वाला खुलासा किया कि स्कूल द्वारा अभी तक अभिभावकों को कौन सी किताबें खरीदनी है इसकी सूची नहीं दी गई है, केवल गणेश बुक स्टोर को ही सूची दी गई है, जिससे ये कोई एक बड़ा स्कैम होने की बात सामने आ रही है। गवर्नमेंट GR आने के बाद स्कूल ने बहुत स्मार्टली इसको बाजू में कर दिया है, लेकिन आप सरप्राइज होंगे और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि जो 2018 एंड 19 का जो एकेडमिक ईयर है अभी जो शुरू होने वाला है, तो गोल्डक्रेस्ट स्कूल ने जो भी लिस्ट ऑफ बुक्स है वो हमें दी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दी है। जबकि कोई भी एकेडमिक ईयर या स्कूल होता है, एकेडमिक ईयर ख़त्म होता है, तो स्कूल की जो बुक्स है नेक्स्ट ईयर की लिस्ट जो है वो स्कूल प्रोवाइड करता है। तो मेरा ये क्वेश्चन है डिपार्टमेंटल से, एजुकेशन डिपार्टमेंट को मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि इतना कुछ होने के बाद भी आप लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। हम पेरेंट्स आपको ये कंप्लेंट दे रहे हैं कि स्कूल ने लिस्ट क्यों नहीं प्रोवाइड किया, हमें यहाँ पर आना पड़ता है और ये जो वेंडर है गणेश बुक स्टोर वो हमें बताता है कि ये आपकी लिस्ट है। ये एक सबसे बड़ी जो है स्कैम है ये, जिसमें कि स्कूल पूरी तरह मिला हुआ है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि कार्रवाई केवल बुक स्टोर पे ही नहीं बल्कि स्कूल पर भी होनी चाहिए। ये स्कूल की जो नाजायज चीज़ें हैं वो हमें सहन करनी चाहिए। एक नोटबुक जो कि नॉर्मल कॉस्ट पे यहाँ पर 25 रुपये की मिलती है, नवनीत पब्लिकेशन जैसे डिपार्टमेंट की अच्छी नोटबुक, लेकिन ये गोल्डक्रेस्ट का नाम होने से वही नोटबुक यहाँ पर 50 रुपये की बिकती है।
तो ये हमने कंप्लेंट जो है वेट एंड मेजरमेंट से की थी, जिनके आज अधिकारी यहाँ पर आए हैं और वो क्या एक्शन लेते हैं देखते हैं। और ये एक्शन सिर्फ यहाँ तक नहीं लेकिन स्कूल पे भी लेना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता कल्पना छत्रे का इस दौरान कहना था कि पिछले 2 से 3 सालों से अभिभावक उनके पास इस संदर्भ में शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद जब उन्होंने जमीनी हकीकत जानी तो ये पाया कि नोटबुक पर MRP नहीं छपी है, जिसकी शिकायत उन्होंने वैध मापन शास्त्र विभाग में की। मागील 2-3 वर्षापासून पालकांच्या तक्रारी होत्या, पण आज ह्या वर्षी जास्त लोकांनी आमच्याशी अप्रोच केला, तेव्हा मला असं कळलं की 1-2 स्कूलमध्ये आम्ही कंपॅरिझन केलं, एका स्कूलच्या बुकवरती मागं MRP आहे आणि एका स्कूलच्या ज्यावरती MRP नाही। मग आम्ही त्या गणेश बुकरांना विचारलं सकाळी, तर असं का, त्यांनी आम्हाला सगळं सांगितलं की आम्हाला शाळेतूनच सांगण्यात आलेलं आहे आणि ते काय करायचं तुम्ही त्यांच्याशी बोला, आमच्याशी काही बोलू नका। म्हणून आम्ही आज वेट अँड मेजरमेंट डिपार्टमेंटला लेखी तक्रार केली, त्यानंतर त्यांनी इथं आले आज आणि त्यांनी ही कारवाई केली। आगे उन्होंने ये भी कहा कि गणेश बुक स्टोर से उनकी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, अभिभावकों की होने वाली लूट पर लगाम लगे यही इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य है। मला फक्त एवढंच आमची इच्छा आहे की आमचं व्यक्तिगत गणेश बुक आमचं काय म्हणजे मतभेद वगैरे असं भेद काय नाही आहेत, आम्हाला एकच पाहिजे की पालकांच्याकडून जी लूट होते ती थांबली पाहिजे, कारण एका शाळेला काहीतरी दंड बसला तर सगळ्या शाळा सुधारतील, आम्हाला फक्त जी पालकांची पिळवणूक म्हणा लूट म्हणा ती थांबली पाहिजे, हा एकच आमचा एकमेव उद्देश आहे आमचा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि सभी बुक स्टोर में सभी स्कूल की किताबें उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि अगर सभी बुक स्टोर में किताबें उपलब्ध हुई तो ऐसी समस्या भविष्य में खड़ी नहीं होगी। मागच्या 2-3 वर्षात सरकार ने जो नियम दिले की शाळेतून बुक्स म्हणा किंवा नोटबुक म्हणा विकता येत नाहीत, त्यासाठी ह्यांनी पर्याय काढला हा की एकाच बुक डेपोला आमची पुस्तकं म्हणून एकाच बुक डेपोला सांगायचं, म्हणून हा प्रॉब्लेम होता। जर सगळ्या बुक डेपोमध्ये सगळी पुस्तकं सगळ्या शाळेची पुस्तकं अवेलेबल झाली तर हा प्रॉब्लेमच येणार नाही। पण माझी सरकारला विनंती, महाराष्ट्र सरकारला ही विनंती आहे की तुम्ही हे खुलं करा, म्हणजे प्रत्येक बुक डेपोमध्ये प्रत्येक शाळेची पुस्तकं मिळायला पाहिजेत। माझी इच्छा आहे की मला आज ह्या बुक डेपोमधून घ्यायचं, मी त्या बुकमध्ये डेपोन घे, शाळेने नाही सांगितलं पाहिजे की मला ह्या बुक डेपोमधून घे, माझी इच्छा जिथं असेल तिथं मी घेईन। ब्युरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज।